हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुक्षा और आज हम आपको दिखाएंगे कि लेयर मास्क फोटोशॉप में लेयर मास्क क्या होता है और लेयर मास्क का क्या काम है फोटोशॉप में। तो लेयर मास्क हमको मिल जाएगा लेयर के इस पैनल का ठीक नीचे, यहाँ पर हमको लेयर मास्क दिख जाएंगे। तो लेयर मास्क की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी लेयर के लेयर में हम मास्किंग कर सकते हैं, यानी कि कोई भी लेयर आप अगर चाहो कि सही सलामत रहे और वो जो लेयर है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे और वो हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लेयर में एडिटिंग डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम लेयर के ऊपर मास्किंग करके एडिटिंग करेंगे। तो इसके मदद से क्या होगा कि आपका जो ओरिजिनल पिक्चर है जो आप एडिट करना चाहते हो वो एकदम सेफ रहेंगे और जो मास्किंग आपने किया है उसके अंदर ही एडिट होगा। इसके मतलब आप जो ओरिजिनल पिक्चर है वो आपको मिल जाएंगे बाद में, जो अगर आप चाहते हो कि उसको रीयूज़ करो तो वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये जो पिक्चर है, सपोज़ ये जो पिक्चर मैंने लिया है, मैं चाहता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड है मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो ये जो कॉफ़ी मग है मैं सिर्फ ये कॉफ़ी मग चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या करना होगा, मुझे सिलेक्शन करना होगा, तो ये इमेज में से कट करना होगा। तो कट करने के लिए हम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पेन टूल यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं, या पर मार्की टूल यूज़ कर सकते हैं, या पर क्विक सिलेक्शन मैजिक वन टूल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब यूज़ कर सकते हैं हम, तो मैं कहूँगा कि पेन टूल ही सेफ है कोई भी चीज़ कट करने के लिए, क्योंकि वो एकदम प्रॉपर होता है, प्रॉपरली कट करता है। तो मैं इस वीडियो को वीडियो लेंदी ना हो तो इसके लिए मैं मैजिक वन टूल यूज़ कर सक सॉरी क्विक सिलेक्शन टूल मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये यूज़ करके मैं आपको ये जो मास्किंग का काम है वो आपको दिखाऊँगा। तो लेयर में जाके हमको क्या करना होगा, पहले जो चीज़ हमको चाहिए यानी कि जो चीज़ हम रखना चाहते हैं वो चीज़ हमको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि ये कॉफ़ी मग ये हम रखना चाहते हैं तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया, और जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो हम सिलेक्शन में नहीं रखेंगे। इसका मतलब ये जो बैकग्राउंड है वो हम सिलेक्शन में नहीं रखेंगे। तो इसके बाद क्या करना है, हमको ये मास्किंग जो ऑप्शन है वो क्लिक कर देना है। तो मास्किंग ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएंगे कि ये मास्क हो गया, इसका मतलब ये जो बैकग्राउंड था वो तो रिमूव हो गया पर ये जो इमेज था वो ख़राब नहीं हुआ, वो सही सलामत है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे है वो। ये जो लेयर का थंबनेल है, ये जो मास्किंग का थंबनेल है आपको दिख रहा है, ये लेयर का थंबनेल और ये है मास्किंग का थंबनेल। तो ये मास्किंग का थंबनेल में हमको क्या दिखा है, ये जो इमेज था यानी कि जो पूरा इमेज था उसके अंदर से सिर्फ ये पोर्शन रहकर, ये जो वाइट है ना, ये पोर्शन रहकर पूरा के पूरा ब्लैक हो गया, इसका मतलब पूरा के पूरा गायब हो गया, पर ये पिक्चर फिर भी सही सलामत है। अगर हम कीबोर्ड में से शिफ्ट प्रेस करके ये मास्किंग के थंबनेल में क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर हम आपको दिख जाएंगे कि ये बिल्कुल सही सलामत है, और फिर से अगर हम शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमको मिल जाएंगे सिर्फ कॉफ़ी मग। ठीक है, तो ये है मास्किंग, यानी कि हम कोई भी पिक्चर एडिट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं बिना खराबी के, यानी कि ये जो ओरिजिनल पिक्चर है वो डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया है, मेरा हिंदी थोड़ा ख़राब है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना आप लोग। तो इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, ये जो लेयर मास्क तो आपको समझ आ गया आई होप, तो इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉफ़ी मग है, ये कॉफ़ी मग मैं दूसरा बैकग्राउंड में बिठाना चाहती हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, मैं एक दूसरा बैकग्राउंड ले लिया, तो ये जो बैकग्राउंड है इसमें हम ये कॉफ़ी मग जाकर रख लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो जस्ट राफली मैंने ये किया है तो ये कटिंग बहुत प्रॉपरली हो सकता था अगर हम पेन टूल यूज़ करते, तो मैंने बस आपको समझाने के लिए ये
कि जल्दी हो, इसलिए मैं मैजिक क्विक सिलेक्शन टूल से कट किया हूँ। तो ये आप देख सकते हो, और ये मैंने कट करके एक दूसरी बैकग्राउंड में लाकर रख दिया। तो इसमें भी ये जो पिक्चर है ना, तो ये पिक्चर इसमें भी आपको दिख जाएंगे कि यहाँ पर भी है, वो पिक्चर खराब नहीं हुआ अभी तक। तो आप अगर चाहो तो लेयर डिलीट भी कर सकते, लेयर मास्किंग जो है वो डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर नहीं ज़रूरत है वो आप हाइड करके भी रख सकते हो, तो भी ये पिक्चर आपको सही सलामत मिल जाएंगे। तो ये है लेयर मास्किंग। तो आई होप आपको समझ आया है मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये खराब भी नहीं हुआ और ये कट भी हो गया, ठीक है। तो ये है लेयर मास्किंग, बहुत बहुत काम का चीज़ है ये। फोटोशॉप में ये लेयर मास्किंग तो बहुत तरीके से काम आते हैं। आप अगर फोटोशॉप में कुछ भी काम करोगे, कुछ भी ऐसे काम करोगे, तो लेयर मास्किंग ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसके बाद मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये जो लेयर मास्किंग, लेयर और लेयर मास्किंग के अंदर ये जो लिंक है वो किस काम का है। तो ये जो लिंक मैंने लिंक को हटा दिया, ठीक है, एक बार क्लिक करके लिंक को हटा दिया। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये देखो, आप अगर मूव करना चाहते हो तो आपका जो सिलेक्शन पार्ट था, जो सिलेक्शन पोर्शन था, वो किसी भी एंगल में जाकर आप रख सकते हो, तो वही पोर्शन आपको शो करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये मूव हो रहा है, तो वापस आकर हम फिर से रख देंगे वही पोर्शन में जो हम चाहते हैं। तो इसके मतलब हम इसको जैसे भी तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर लिंक कर दूंगा मैं, तो ये हम नहीं कर सकते हैं, देख सकते हो आप, ठीक है। तो वापस मैंने लिंक कर दिया, तो देखो आप तो मूव नहीं हो रहा है, ये कॉफी मग ही है। तो ये है लिंक और अनलिंक का जो ये, तो लिंक मैंने हटा कर कोई भी पोर्शन में वो सिलेक्शन रख सकती हूँ, और लिंक अगर रहे तो ये पिक्चर खराब नहीं, यानी कि ये जो आपने सिलेक्ट किया है वो पोर्शन ही रहेगा, ठीक है, वो मूव नहीं होगा, ठीक है। तो ये है लेयर मास्क और लेयर के बीच जो कनेक्शन है। तो इसके बाद मैं दिखाऊंगा कैसे लेयर मास्क आप डिलीट कर सकते हो। तो ये जो लेयर मास्क है, इसमें हम अगर राइट क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि डिसेबल लेयर मास्क, जो आप शिफ्ट प्रेस करके मैंने आपको दिखाया कुछ देर पहले, ठीक है। तो फिर से हम इनेबल लेयर मास्क कर सकते हैं। इसके बाद हमको मिल जाएंगे डिलीट लेयर मास्क। तो डिलीट लेयर मास्क करने के बाद हमको वो पिक्चर फिर से जैसे के जैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था डिलीट लेयर मास्क। फिर होता है अप्लाई लेयर मास्क, यानी कि लेयर मास्क अगर आप अप्लाई करना चाहते हो वो। और फिर यह होता है इंटरसेक्ट सब्सट्रैक्ट एड मास्क टू सिलेक्शन, ठीक है। तो ये बहुत सारा ऑप्शन आता है, तो इसमें हमारा काम का चीज़ है ये तीनों ऑप्शन जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो इसके बाद मैं फिर से एक और पिक्चर, यानी कि ये दो जो पिक्चर है इसमें हम लेयर मास्क ऐड करके दिखाएंगे, और इसमें हम मैनिपुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो स्काई आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, ये स्काई से हम रिप्लेस करेंगे। तो ये भी हम लेयर मास्क की मदद से ही करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने दो पिक्चर जो है वो ओपन कर लिया। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को हमने लेयर में ला लिया, और ये जो क्विक सिलेक्शन टूल के मदद से हमको इस पिक्चर को सिलेक्ट करना होगा। ये जो स्काई है वो हम धीरे से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ऐसे करके सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, तो ये सिलेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसके वजह से, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हम
तो पहले हम क्या करेंगे, लेयर मास्क ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम सिलेक्शन करेंगे। तो चलिए ये जो पोर्शन है ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो इसके बाद हम ब्रश टूल के मदद से ये जो लेयर है, ये जो ऊपर का स्काई है, वो हम रिमूव करेंगे। तो कैसे करेंगे, ब्रश टूल मैंने ले लिया और लेयर में जो मास्किंग किया है वो सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम कीबोर्ड में से ये ब्रश टूल थोड़ा बड़ा कर लेंगे साइज, और ये जो है वो ब्रश टूल से रिमूव कर देंगे। तो चलिए एक पोर्शन का स्काई तो रिमूव हो गया हमारा, ठीक है। ऐसे करके हम अच्छे तरह से रिमूव कर लेंगे। तो इसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये डी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो फिर से मैं क्या करूँगा, फिर से ये जो पोर्शन है वो स्काई सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है वो भी सिलेक्ट हो गया। तो फिर से मैं क्या करूँगा, लेयर मास्क में जाऊँगा और ब्रश टूल के मदद से फिर से ये जो पोर्शन का स्काई वो रिमूव कर दूँगा। तो ये मैंने आपको दिखाया है कि कैसे हम लेयर मास्क के अंदर ब्रश टूल यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ब्रश टूल के मदद से कैसे हम रिमूव कर सकते हैं किसी भी लेयर में से किसी भी पोर्शन, ठीक है, कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो मास्किंग और ब्रश टूल का काम है वो बहुत ही एक स्मूथ काम है, बहुत ही यूज़फुल काम है। तो मैंने जो अच्छा कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ डी सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैंने जो फर्स्ट जो काम किया है वो लेयर मास्क ऑन करके किया है, ठीक है, सिर्फ लेयर मास्क का ही काम किया है। और ये जो सेकेंड जो काम कर रहा हूँ तो उसमें हम लेयर मास्क प्लस हम ब्रश टूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो लेयर मास्क के मदद से हम लेयर मास्किंग किया और ब्रश टूल के मदद से हम जो पोर्शन सिलेक्ट किया वो रिमूव कर दिया, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस में से ही हम लेयर मास्किंग कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें वो स्काई लगाना है, यानी कि ये जो स्काई है वो हमको लगाना है। तो इसके लिए मैंने ये यहाँ पर ये स्काई ले लिया और ये जो लेयर है वो पीछे ले लिया। तो इसको मैं कंट्रोल पी की मदद से ट्रांसफॉर्म कर दूँगा, ठीक है। तो ये जो है ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि ये जो स्काई था वो चेंज हुआ है और चेंज होके हमारा दूसरा स्काई आ गया। लेकिन फिर से हम अगर चाहे तो ये जो स्काई था, यानी कि ये पिक्चर में ये जो पहला स्काई था वो हम ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, ये जो पिक्चर में से हमको ये डिसेबल लेयर मास्क करना होगा। तो डिसेबल लेयर मास्क करने के बाद हमें फिर से वो पिक्चर मिल जाएंगे जैसे कि जैसे था, और हम अगर इनेबल लेयर मास्क करेंगे तो हमको ये नया वाला स्काई मिल जाएंगे जो हमने एडिट करके किया है। तो इसमें अगर आप चाहो तो एडजस्टमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो एडजस्टमेंट करने के लिए हम ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट में जाकर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि इसका जो दोनों पिक्चर के अंदर जो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट का लेवल हो वो हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो ये जो पिक्चर है यहाँ पर मैं एडजस्ट करूँगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्लिपिंग मास्क कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा। तो ऐसे करके हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट तो मैंने दिखाया, पर इसके बहुत सारा वीडियो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। आज का वीडियो है, आज का जो टॉपिक है तो वो है मेनली लेयर मास्क का टॉपिक। तो लेयर मास्क क्या होता है, आई होप आपको समझ आया है। कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो आपका, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख देना कि आपको समझ आया है या नहीं, या फिर आपको पसंद आया है ये वीडियो या नहीं। तो ज़रूर आप कमेंट करके हमें जनाना, ठीक है। तो ये जो लेयर मास्किंग का वीडियो आपको दिखाया है मैंने, वो अगर आपको पसंद आया है
तो ज़रूर हमें लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।